Hello everyone, my name is Dr. Shilpa Ghosh. I am the Director of Obstetrics and Gynecology at Akash Healthcare Dwarka. Today we will talk about prevention of cancer cervix. So what is cancer cervix? Cancer cervix is the cancer of the cervix, which is the mouth of the uterus. So uterus ka jo neck hai ya mouth hai, usko kehte hain cervix. Aur wahan pe jab cells uncontrolled grow karte hain, that is cancer of the cervix. Par ye hota kyun hai? ये मोस्ट कॉमन रीज़न फॉर कैंसर सर्विक्स इज़ अ वायरस, और उस वायरस का नाम है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस. ह्यूमन पैपिलोमा वायरस बहुत सारे नंबर में होते हैं, 200 तक के भी पाए जाते हैं, बट इसमें से कुछ कैंसरस होते हैं और कुछ नॉन कैंसरस होते हैं. कुछ नॉन कैंसरस वॉट्स भी करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल वायरस 16, 18 ये हैं जो कैंसर कॉजिंग ह्यूमन पैपिलोमा वायरस हैं. अब हमारी बॉडी में ह्यूमन पैपिलोमा वायरस एंटर तो कर जाता है और काफ़ी देर वहाँ रहता है, बट जिसकी इम्यूनिटी कम है उसमें ये घर कर लेता है और फिर ये कैंसर बनाता है. तो इम्यूनिटी कम करने की जो भी रीजंस होते हैं, उन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स में ये रहता है. प्लस जो पेशेंट्स स्मोक करते हैं, स्मोकिंग से भी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वहाँ पे घर कर लेता है और कैंसर बनाता है. सो अर्ली मैरिज, हैविंग अ लॉट ऑफ चिल्ड्रन विल ऑल्सो प्रीडिस्पोज यू टू कैंसर सर्विक्स. तो इतनी डेंजरस टर्म कैंसर सुन के हमको लगता है कि क्या ये प्रिवेंट हो सकती है? तो जी हाँ, द गुड न्यूज़ इज़ दैट दिस इज़ अ प्रिवेंटेबल कैंसर. 90% से भी ज़्यादा आप इसको प्रिवेंट कर सकते हैं. प्रिवेंट मीन्स होने ही मत दीजिए. तो ये कैसे हो सकता है? सो वी होल्ड पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स लाइक दिस वन, एंड वी वॉन्ट यू टू ऑल्सो स्प्रेड द अवेयरनेस अराउंड दैट इट इज़ अ प्रिवेंटेबल कैंसर बाय 3 मेथड्स. तो 3 स्ट्रैटेजीज़ क्या हैं? नंबर 1 इज़ वैक्सीनेशन. तो अभी कोविड का वैक्सीन जैसे आप सबने लगाया, वैसे ही ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का वैक्सीन भी सब गर्ल्स को लगना चाहिए. सो व्हाट इज़ द बेस्ट एज टू गेट इट? द बेस्ट एज इज़ बिटवीन 9 to 14 ईयर्स ऑफ एज. एंड अगर वहाँ मिस हो जाए तब 26 ईयर्स तक आप लगवा सकते हैं. और हमारी कंट्री में तो इसका लाइसेंस 45 ईयर्स तक भी है. तो वैक्सीनेशन प्रिवेंट्स कैंसर सर्विक्स. व्हाट इज़ द नंबर 2 थिंग? द नंबर 2 थिंग इज़ अ पैप्समेयर. अ पैप्समेयर एक बहुत ही सिंपल टेस्ट है जो हमारे ओपीडी में 5 मिनट में हो जाता है. इट इज़ वेरी सिंपल, इससे बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है. तो ये किसको कराना चाहिए? वेल, ऑल लेडीज़ बिटवीन 21 ईयर्स टू 65 ईयर्स ऑफ एज हु आर एक्टिव कैन हैव इट 3 ईयरली. सो हर 3 साल में आप पैप्समेयर करा सकते हैं. इसमें वो सेल्स का पता चलता है कि उनमें क्या चेंजेस आ रहे हैं, ताकि आप उसको जल्दी पकड़ लें, क्योंकि कैंसर सर्विक्स कैंसर बनने से पहले 10 साल प्री कैंसरस स्टेज में रहता है. तो इट कैन बी कॉट राइट देयर. 3rd strategy इज़ ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, जो ये कैंसर करता है उसको डिटेक्ट करना. उसके DNA को हम डिटेक्ट कर सकते हैं बाय अ वेरी सिंपल टेस्ट. OPD में पैप्समेयर की तरह ही होता है, उसकी तरह पर एक लिक्विड में लिया जाता है एंड ह्यूमन पैपिलोमा वायरस कैन बी चेक. एंड ये किसका होना चाहिए? आफ्टर द एज ऑफ 30, 30 to 65 ईयर्स में एवरी 5 ईयर्स इफ यू आर गोइंग इट, देन पैप्समेयर प्लस HPV DNA शुड बी कम्बाइंड. सो ये 3 स्ट्रैटेजी से कैंसर सर्विक्स होने से काफ़ी हद तक बच सकता है. इसका ट्रीटमेंट अगर सपोज डिटेक्ट भी हो जाए तो प्री कैंसरस स्टेज में यू कैन मेक लॉट ऑफ एफर्ट्स टू डील इट देयर. अदरवाइज फिर बहुत बड़ी सर्जरी या रेडियोथेरेपी या कीमोथेरेपी करनी पड़ती है. तो माई मैसेज टू ऑल ऑफ यू इज दैट प्लीज़ स्प्रेड द अवेयरनेस अराउंड. ये बात अपनी फैमिली में, अपने सोसाइटी में, अपने स्कूल्स, कॉलेजेस और अपने ऑफिसेज में ज़रूर बताइएगा कि कैंसर सर्विक्स प्रिवेंट करने के लिए 3 तरीके हैं और सब लोगों को ये तरीके अपनाने हैं. अच्छा, वैक्सीन के बारे में एक लास्ट बात बताना चाहूँगी. वैक्सीन 2 तरह की अवेलेबल है. ओवर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स 3 डोजेज लगती हैं अगर आप 14 ईयर्स से बड़े हैं, और 2 डोजेज लगती है अगर आप 14 ईयर्स से कम हैं. Thank you and have a good day.